हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे अच्छे से होंगे स्टूडेंट इस इसके पहले हम लोगों को इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड सेकंड काइंड ऑफ इमर इंटीग्रल को देख चुके थे और थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल क्या होगा हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं तो थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में अगर हम देखना चाहें तो थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए हम छोटे छोटे कुछ टूल्स को देखेंगे पहला कंडीशन है थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने का कि उसके पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट लिमिट्स होनी चाहिए है ना पहले कंडीशन क्या हो इनफाइनाइट लिमिट हो फर्स्ट कंडीशन सेकेंड क्या हो कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट इंटी ग्रैंड हो इनफाइनाइट इंटी ग्रैंड हो तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं इसको भाई यहां से लिख सकते हैं इट इज इट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बाथ फर्स्ट काइंड फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रापर इंटीग्रल इम्रॉपर इंटीग्रल बात बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होगा थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो दोनों के लिए एग्जिस्ट करे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड इंटीग्रल के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए एग्जिस्ट करता है उसको थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या थ्योरेटिकल पार्ट से इसको समझ लेते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस तरीके से है ए टू इन्फेनाइट फंक्शन यस डी एक्स इस तरीके से है तो इट कैन बी रिटेन एज ए टू डी अभी मैं सब समझा रहा हूं फंक्शन यफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टाइम के साथ डी टू इन्फाइट यस डी एक्स राइट अब ध्यान ये देना है क्या ध्यान देना है कि जो फंक्शन ए टू डी एफ आफ एक्स और डी टू इन्फनाइट है तो फंक्शन ए टू इन्फेनाइट और यही फंक्शन तो बन रहा है मतलब इसके दो पार्ट टूट रहे हैं एक फर्स्ट पार्ट इसको मान लें और इसको मान लेते हैं सेकेंड पार्ट मान लेते हैं ठीक ना ए टू डी को और डी टू इन्फाइट को तो इस कंडीशन में हमारे पास केस क्या होगा कि अगर ये वैल्यू ये जो पूरा फंक्शन है ए टू इन्फेनाइट एफ आफ एक्स डी एक्स अगर ये कन्वर्जेंट होता है ध्यान से समझते चलना अगर ये कन्वर्जेंट होता है कन्वर्जेंट तो आप लोग बी ऐसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो है ना तो इसका मतलब बाथ इंटीग्रल ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा और ये इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा बाथ इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा लेकिन यहीं पर मान लो कि ये फंक्शन आपका क्या हो जाए डाइवर्जेंट हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट होगा और सेकेंड का कंडीशन क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट होगा तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारा इसी को हम कहते हैं थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो इसके पहले वाले वीडियो में फर्स्ट काइंड ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को देख चुके थे थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये है अब इस पर हम आगे कुछ क्वेश्चन को करते हैं पॉज दीडियो नोटेड डाउन स्क्रीन ले लो फिर आगे बढ़ेंगे ओके okay. इसका स्क्रीन हो गया होगा आगे बढ़ते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से कह रहा है डिस्कस द डिस्कस दन्वर्जेंसी कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रल और इंटीग्रल क्या है ध्यान दो ए टू इंफाइट डी एक्स अपॉन रूड एक्स बाई इवेल्युएटिंग इवेल्युएटिंग देम बाई इवेल्युएटिंग देम ध्यान देंगे इस बात को तो देखो इसके लिए टू इन्फ नहीं है ये वन टू इन्फेनाइट है इंटीग्रल का लिमिट वन टू इन्फिनाइट है तो इसका देखेंगे यहां से है क्या बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन और उसको इजिली वे में हम अटेम्प्ट करते हैं देखो इसको लिख सकते हैं इस पूरे को वन टू इन्फनाइट डी एक्स अपॉन रूड एक्स लिखा जा सकता है नहीं या इसको हम पहले प्रॉपर में तोड़े तो लिमिटेन इन टू इन्फ मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये इंटीग्रेंट क्या लिख सकते हैं वन टू यक्स लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं डी एक्स अपान रोड अच्छा देखो यक्स कहां पे टेंड कर रहा है इन्फेनाइट पे तो वन टू इंफेनाइट ही इंफिनाइट तो हुआ अब इसको हम सॉल्व करें तो इस वैल्यू को हम अगर सॉल्व करना चाहें इस वाले पूरे पैकेट को तो लिख सकते हो लिमिट टेंड टू इन्फ और वन टू यक्स और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दू यस टू दावर माइनस हाफ ऑफ डी एक्स इस वाले फंक्शन को तो बिल्कुल लिखा जा सकता है है ना ही तो इसको सॉल्व करते हैं अब तो इसे लिखेंगे लिमिटेन टू इंफनाइट यक्स टू दावर वन बाई टू अपॉन वन बाई टू और लिमिट कहां से कहां तक पहुंच रहा है वन टू यक्स या इट कैन बी रिटर्न एज लिमिट यक्स टेन टू इन्फाइट और इसको सॉल्व करेंगे वन बाय टू ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा टू यक्स टू दी पावर वन बाय टू कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है वन टू एक्स लिमिट है अब देखो यक्स इंफेनाइट पे पहुंच रहा है तो वैल्यू को रखते हैं यहां से तो आ जाएगा इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पैकेट को तो आ जाएगा यहां से लिमिट यक्स टेन टू इंफाइट पहुंचने पर इसको लिखा जा सकता है टू रूड यक्स क्या लिखेंगे टू रूड यक्स और माइनस टाइम के साथ माइनस टाइम के साथ ये वैल्यू लिखा जा सकता है टू के साथ टू रूड एक्स और ये वैल्यू लिखा जा सकता है माइनस टाइम के साथ टू के साथ और ये जो वैल्यू आने वाला है ध्यान दो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा इन्फेनाइट ही आएगा क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है इन्फेनाइट इन्फेनाइट में से कुछ भी सब होगा तो वैल्यू तो इन्फेनाइट आने ही आनी है है ना तो टू रूड एक्स और माइनस टाइम के साथ ये वैल्यू आ जाएगा टू इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा इंफाइट अब यहां से देखेंगे तो इसका मतलब द लिमिट डज नॉट डज नॉट फाइनाइटली। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली फाइनाइट तो है नहीं है ना तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा इंटीग्रल क्या हो जाएगा इंटीग्रल इज इंटीग्रल ध्यान देना इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा और अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हुआ तो इसका मतलब चेक द कन्वर्जेंसी कह रहा है तो क्या कन्वर्जेंट होगा बिल्कुल नहीं तो इंटीग्रल हमारा कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा समझ में आई बात पॉज वीडियो डाउन स्क्रीन शार्ट ले लो बहुत आराम से समझा रहे हैं ताकि हर एवरेज स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए ठीक ना हो गया, आगे बढ़े एकदम इजली वे में हम चल रहे हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को इसलिए बहुत आराम से समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब इसी तरीके से है कह रहा है डिस्कस दी ये पूछा जाता है एग्जाम में डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल क्या है ये है वन टू इंफनाइट डी एक्स अपान के साथ एक्स यू दावर थ्री बाई टू बाई इवेलुएटिंग बाई इवेल्युएटिंग देम राइट ये क्वेश्चन है तो हमको इस वाले पूरे इंटीग्रल से मतलब है तो क्या करेंगे इसको लिखेंगे सोलूशन में सोलूशन में इसको लिख दो वन टू इंफाइट डीएक्स अपन एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू है ना इसको और क्या लिख सकते हो टेंडिंग टू इन्फ अच्छा ऐसा क्यों लिखते हैं मालूम है x tending to ना कि हैं, इसको बना के तब करेंगे 1 to x, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स अब इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा Limit x टेंडिंग टू इन्फनाइट ध्यान देना इसको सॉल्व करने पर लेंगे तो आएगा पावर माइनस हाफ और अपान माइनस थ्री बाई टू प्लस वन दैट इज माइनस हाफ और लिमिट कहां से कहां तक पहुंच रहा है वन टू यक्स तक तो इसको सॉल्व करेंगे लिमिट टेंडिंग टू इन्फाइट और रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस टू अपान रूड यक्स इसको सॉल्व करने पर बिल्कुल टू पर चला जाएगा रूड एक्स तो इस तरीके से माइनस टू अपॉन रूड एक्स वन टू यक्स तक ही लिमिट आ जाएगा यक्स इन्फाइट पे पहुंच रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपल सी बात माइनस टू बाई इन्फाइट प्लस टाइम के साथ टू अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें ध्यान से देखो एक्स इन्फीनाइट विफेनाइट प्लस टाइम के साथ ये वैल्यू यहां से पहुंच जाएगा तो आ जाएगा टू अर्थात इसको लिखें तो टू बाई इन्फिनाइट दैट इज जीरो और वैल्यू आ जाएगा टू आ जाएगा ठीक है तो डायरेक्ट लिखने पर ये साल्व करने पर आया तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट कर रहा है राइट right? एंड क्या है ये फाइनाइट है सबसे बड़ी बात ये क्या है फाइनाइट है तो इसका मतलब जो गिवन इंटीग्रल है हमारा गिवन इंटीग्रल जब वैल्यू फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये आंसर हो गया है ना जो गिवन वैल्यू है कन्वर्जेंट होगा तो वीडियो नोटेड स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं देखो तो भाई बहुत आसानी से हम समझते चलते हैं इसको स्क्रीन शॉट हो गया होगा नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर अटेंड करा रहे हैं फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड पर ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अब देखते हैं एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं डिस्कस दी डिस्कस दी कन्वर्जेंसी ऑफ गिवेन इंटीग्रल इंटीग्रल बाई इवेलुएटिंग बाई इवेल्युएटिंग माइनस वन टू वन डीएक्स अपान एक्स स्क्वायर फिर से हमको इसी फंक्शन से मतलब है है ना तो देखो भाई सोलूशन में इसको देखते हैं ये गिवेन है माइनस वन टू वन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर समझ पा रहे हो और इसका मतलब ये जो वैल्यू है माइनस वन सेवन ये कैसा है पहले चीज तो प्रॉपर है मतलब रेंज इसका फाइनाइट है और रेंज फाइनाइट है तो लिख सकते हैं इसको इट बिकम ध्यान देना इट बिकम इनफाइटनाइट हो सकता है क्योंकि है है किस पर 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 हो जाएगा ना इसका मतलब माइनस वन से जीरो और वन के बीच में ये वैल्यू हमको रन कराना पड़ेगा माइनस वन से वन के बीच में क्या कौन सी वैल्यू है जीरो तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन टू वन अभी क्यों कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर मिले और लिमिट उस पर एग्जिस्ट कराए तो इसका मतलब लिमिट इसको मान लेते हैं अपसाइलन फर्स्ट है, है ना क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव नंबर है टेन टू जीरो और इसको लिख सकते हैं इसको तोड़ेंगे माइनस वन टू और ये क्या आ जाएगा अपसाइलन वन ध्यान देना माइनस वन टू अपसाइलन वन और इसका मतलब ये वैल्यू कैसा है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है और ये अफसाइलन वन माइनस वन से अफसाइलन वन की कंडीशन है तो इसका इसका जो वैल्यू आएगा प्लस अगले वैल्यू में कैसा हो जाएगा लिमिट अफसाइलन टू स्मॉल आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर ये टेंड करेगा जीरो पर तो इसका मतलब ये आ जाएगा अफसाइलन टू टू वन और डी एक्स एक्स स्क्वायर ये कुछ थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है कंडीशन kind of. तो हो जाएगा वैल्यू तो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं है ना इसको सॉल्व करने पर तो आ जाएगा लिमिट अफसाइलन वन टेन टू जीरो है ना और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन अपान और यह आ जाएगा माइनस वन टू अपसा वन प्लस इसको सॉल्व करते हैं लिमिट 10 टू जीरो आ तो जाएगा माइनस वन अपान एकस, राइट और आ जाएगा टू टू ध्यान दो अब इसको अगर हम सॉल्व करें इस वाले वैल्यू को तो सॉल्व साल, करने पर ये तो पहला केस हो जाएगा यहां से देखो ये जो केस हो जाएगा इसको पहला मान लेंगे और ये जो केस है ये दूसरा हो जाएगा और पहले वाले को अगर सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये भी फाइनाइट नहीं देगा ध्यान दे अगर साल्व करके देखोगे तो ये भी फाइनाइट नहीं देगा वन अपान जीरो तो कोई मतलब नहीं और ये भी कंडीशन एफ टू टू जीरो मतलब नहीं तो मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों है वो इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं है ना तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो लिख सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पहले और दूसरे की वैल्यू लिमिट के लिए डज नॉट डॉटिस्ट एग्जिस्ट है ही नहीं और जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो सीधा सीधा मतलब है भैया क्या होगा डाइवर्जेंट ही तो होगा बोलो डाइवर्जेंट ही तो होगा और यही आंसर हो जाएगा समझ में आई बात अब जरूरी नहीं कि सर ने आप साइलेंट वन लिया है तो आप साइलन वन ही लेके चलो सर ने आप साइलेंट टू लिया तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं डेल वन डेल टू ले लो स्मॉल आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए है ना तो पॉजिटिव वीडियो नोटेड डाउन ले लो फिर आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए डिस्कस दी डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ जीरो टू वन डी एक्स अपान वन माइनस एक्स अभी हमारे कुछ व्यूअर कह रहे थे कि सर बहुत आराम से पढ़ाते हैं थोड़ा तेजी से पढ़ाइए मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आन एन एवरेज स्टूडेंट जो भी है वो भी बच्चा समझ पाए हमारे कॉन्सेप्ट को ठीक है तो आप लोग आराम से समझिए जिनको समझ में आ रहा है उनको भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से समझेंगे देखेंगे जीरो टू वन डी एक्स अपान वन माइनस एक्स ये तो हमारा Given है इसको क्या लिख सकते हो हमने फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बताया है जाके पहले वाले वीडियो को देखो इसको लिखा जा सकता है लिमिट ऑफ साइलन टेन टू जीरो और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं जीरो टू वन माइनस ऑफ साइलन कोई दिक्कत तो नहीं है अर्थात डीएक्स अपान वन माइनस अब कुछ कहेंगे कि सर ये ऑफ साइलन क्यों लिया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि अपसाइलन एक स्मॉल आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है और इसको हम फर्स्ट और सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से तोड़ रहे हैं तो इसलिए हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिख रहे हैं भाई तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट अपसाइलन टेन टू जीरो और डीएक्स अपन वन माइनस एक्स बोलो क्या होता है इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस लाग वन माइनस यक्स आ जाएगा ये कंडीशन और वैल्यू क्या है जीरो टू वन माइनस अपसाइलन है तो ये जो कंडीशन है जीरो टू वन माइनस अफसाइलन इसको जब फिर से सॉल्व करेंगे तो लिमिट अब जीरो आएगा है ना और ये आ जाएगा माइनस लॉग इसको सॉल्व करने पर अपसाइलन और प्लस इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा जीरो तो ये आ जाएगा सिंपल इसको जीरो ही मान के चलो तो इस कंडीशन में ध्यान देना अगर अफसाइलन जीरो गया अबसाइलन जीरो के पास गया तो लाग और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा इस वाले की वैल्यू माइनस इन्फेनाइट आएगा लाख जीरो की वैल्यू यहां से माइनस इन्फेनाइट आ जाएगा इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये जो कंडीशन है ये मीनिंगलेस है कोई मतलब है नहीं इसका हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है मीनिंगलेस सी कंडीशन है ये कोई अर्थ नहीं कि लाख जीरो का मान यहां पे माइनस इन्फेनाइट और माइनस इंफेनाइट कोई कोई सेंस नहीं है इसका मीनिंगलेस है ये फंक्शन है ना इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक भाषा में कहें कि लिमिट डज डज नॉट नॉट एग्जिस्ट जब कोई वैल्यू ही नहीं प्रॉपर मिल रही है तो इसका मतलब मीनिंगलेस का मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारा जो इंटीग्रल है ये वाला ये क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट तो एग्जाम में एक नंबर या दो नंबर में ऐसे पूछते हैं कि डाइवर्जेंट एक इंटीग्रल इंटीग्रेट पूछ लेक्रीन तो शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं बाकी क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज से अटेम्प्ट करना आप तो कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी है ना कह रहा है कि टेस्ट दी टेस्ट दी कन्वर्जेंसी या कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल बोलो माइनस इंफानाइट टू इंफाइट डीएक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर जब आराम से समझते चलोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप माइनस इंफाइट टू इन्फेनाइट डीएक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको सॉल्यूशन में देखते हैं क्या हो जाएगा देखो ध्यान से लोअर लिमिट भी इंफेनाइट है अपर लिमिनाइट है तो माइनस इन्फाइट टू इनफेनाइट डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो क्या हम ऐसे नहीं तोड़ सकते माइनस इन्फाइट टू जीरो डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टू इन्फाइट डीएक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर बोलो कोई दिक्कत है माइनस इन्फाइट टू इन्फेनाइट के लिए हम लिमिट को एग्जिट कराना है अब चूंकि ये इम्प्रॉपर है तो क्या करेंगे हम इसको प्रॉपर में बदलेंगे इसको मान लो फर्स्ट इसको मान लो सेकंड तो कि लिमिट कोई भी लिमिट टेंड करा लो मान लेते हैं बी टेंड कर रहा है इन्फाइट पे तो इंटीग्रल कहां से पहुंच जाएगा माइनस बी से जीरो पे डीएक्स वन प्लस प्लस सेकेंड वाला कंडीशन कुछ भी टेंड करा लो फिर से इसको मान लेते हैं कि लिमिट बी टेंड कर रहा है इन्फाइट पे तो जीरो टू बी डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ऐसा क्यों क्योंकि इम्प्रॉपर को हम सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते तो प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिए प्रॉपर में कैसा कन्वर्ट किए बी इन्फेनाइट पे जा रहा है तो जीरो टू बी बी इन्फिनाइट पे जाएगा तो जीरो टू इन्फिनाटी फिर से वही इंटीग्रल मिल जाएगा ठीक है ना तो इसको सॉल्व कर लो भाई तो लिमिट बी टू इन्फेनाइट ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्ट एक्स तो इसको लिख लेंगे टेन इनवर्ट यस और लिमिट कहा से कहा तक है माइनस बी से जीरो पर प्लस ये भी वैल्यू वही आ जाएगा लिमिट बी टेन टू इन्फेनाइट टेन इनवर्ट यक्स लेकिन लिमिट क्या है जीरो से बी पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा यहां से जब वैल्यू को हम रखते हैं तो लिमिट बी टेन टू इंफाइट यह आ जाएगा जीरो है ना कं, कंडीशन में टेन इन्फ कोई मतलब जीरो माइनस टेन इनवर्ट ऑफ और ये वैल्यू माइनस बी के लिए तो माइनस बी ही है ठीक है और प्लस यहां पे लिखेंगे लिमिट ये वैल्यू अगर हम यहाँ से बी के लिए कंडीशन में लें तो बी के लिए जो कंडीशन है वो आ जाएगा लिमिट टाइम के साथ अगर यक्स इन्फेनाइट पर क्या रखें इन्फेनाइट तो बी है या बी के बी के स्थान पर इनफिनाइट रखो ये बी है बी के स्थान पर इनफिनाइट रखोगे तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा बोलो टेन इनवर्ट बी माइनस के साथ जीरो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बी टेन टू तो इन्फेनाइट मतलब इसकी जो वैल्यू आने वाली है ये इन्फाइट माइनस इन्फाइट तो ये आ जाएगा यहां से रेंज मिलाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा माइनस टाइम के साथ माइनस पाई बाई टू राइट और बी टू इन्फाइट ये भी कितना आ जाएगा बोलो पाई बाई टू तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू दोनों को एड करेंगे तो टू पाई बाई टू अर्थात कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ पाई अब देखो इसको हमको चेक करना है पाई क्या है पाई दो कंडीशन में है एक तो फाइनाइट है पाई और दूसरा पाई क्या है यूनिक वैल्यू है तो पाई दोनों है फाइनाइट भी है यूनिक भी है तो इसका मतलब जो हमारा ये इंटीग्रल है ये इंटीग्रल है ये वाला ये कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा ठीक है ना तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो गया तो या ये कैसा लिख सकते हो कि ये कन्वर्जेंट होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिवीडियो नोटेडाउन स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं।